हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक सर, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल। तो आज हम चैप्टर 10, क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। डायग्राम में गिवन है इसका, ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। यहाँ सर्कल पे हमें थ्री पॉइंट्स दिख रहे हैं, ए बी एंड सी, राइट। तो इस थ्री पॉइंट्स में क्या दिख रहा है हमें, एक बार मैं आपको डायग्राम यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ए बी एंड सी थ्री पॉइंट्स गिवन है हमें, सेंटर्स का ओ गिवन है, राइट। और यहां पे हमें दिख रहा है एंगल ए ओ बी, दिस वन, ये 60 डिग्री गिवन है। एंगल बी ओ सी ये 30 डिग्री गिवन है। तो ये पूरा एंगल अगर देखते हैं तो कितने डिग्री हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और हमें फाइंड करना है यहाँ पर एंगल ए ओ सी, सॉरी एंगल ए डी सी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको हम देखते हैं। हमें एक थ्योरम देखी थी, इस थ्योरम को दोबारा देखते हैं। एक आर्क है सपोज ए बी सी, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है और ये आर्क अदर पॉइंट पे जो एंगल बनाती है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल अदर पॉइंट पे बनने वाला एंगल का डबल होता है। तो इफ ये अगर एक्स है तो ये 2x होगा। यही थ्योरम हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितना होगा, एंगल ए ओ सी होगा हमारा 60 प्लस 30 के इक्वल, तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, राइट। तो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू हो गया हमारा 90 डिग्री। क्या हो गया हमारा, ये 90 डिग्री। अब मैंने आपको क्या बताया कि सेंटर पे हमारा एंगल बन रहा है ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी ये ट्वाइस होगा कौन से एंगल का, अदर पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है हमारा ए डी सी, इसका ट्वाइस होगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, ए ओ सी कितना है हमारे पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। ये टू हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 90 के अपॉन में होगा, तो 90 डिग्री अपॉन टू इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। तो 90 डिग्री अपॉन टू कितना हो गया 45 डिग्री, एंगल ए डी सी, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं आगे हम। यस, सेकंड क्वेश्चन, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसको एक बार डायग्राम से दोबारा एक्सप्लेन करता हूं आपको मैं। A chord of a circle, a chord of a circle, it means chord, this one, ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो अगर रेडियस हमारी r है तो ये chord भी r होगी और ये अदर chord भी हमारी r हो जाएगी, ठीक है। और find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc। तो ये chord जो है, ये हमारी minor arc कौन सी, ये वाली है, इस पे एंगल कौन सा बनाएगी, ये वाला। और यही कोड हमारा मेजर मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा कौन सा बनाएगी, दिस वन। तो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब अभी हमने जस्ट एक देखा हमने कि यहां पर ये रेडियस आर, ये रेडियस आर और कोड हमारे रेडियस के इक्वल है। तो हमारे पास जो एंगल, ये ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हुआ हमारा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो हम क्या देख रहे हैं इससे, तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री आएगा, यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू
60 डिग्री, कितने डिग्री हुआ हमारे 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इससे पहले जो थ्योरम भी देख रही, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेंटर पे ये वाली आर्क जो है सेंटर पे कितने एंगल फॉर्म कर रही है 60 डिग्री, तो अदर पॉइंट पे बनने वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये इसका हाफ होगा। मैंने बताया था पहले भी आपको कि जो सेंटर में एंगल बनता है वो इसका डबल होता है, या फिर जो अदर पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो सेंटर में बनने वाले एंगल का हाफ होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो इसको हम यहाँ कैसे मैनेज करेंगे, देखिए एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ए ओ बी कितना है हमारे पास 60 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी 60 अपॉन 2 इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। तो हमारे पास जो मेजर आर्क पर एंगल फॉर्म हुआ वो कितने डिग्री हुआ, 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें जो माइनर आर्क पर एंगल फॉर्म हो रहा है उसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टेक्स कहाँ पे होते हैं, सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं। तो ए डी बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी डी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या पता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं इसके, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी हमने फाइंड किया ये वाला एंगल कितना आया था हमारे पास 30 डिग्री, तो एंगल ए सी बी की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर 30 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल ए डी बी क्या होगा, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एंगल ए डी बी आ गया हमारे पास 150 डिग्री। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायग्राम गिवन है हमें, एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री गिवन है यहाँ पर हमें, एंगल पी क्यू आर दिस वन कितना दिया हुआ है हमें 100 डिग्री, वेयर पी क्यू एंड आर आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। पी क्यू आर पॉइंट्स कहाँ पर हैं, ये सब सर्कल पे हैं, सेंटर्स का ओ गिवन है, हमें फाइंड करना है एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर दिस वन, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें सेम प्रॉपर्टी यूज होगी जो हमने पहले देखी थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बना रही है, कौन सा एंगल बना रही है, ये सेंटर पे बनाएगी रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, कौन सा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल अदर पॉइंट पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो यहाँ पे देखिए अदर पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल पी क्यू आर, राइट। तो रिफ्लेक्स ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, सॉरी, तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू आर, कितना गिवन है हमें 100 डिग्री, यहाँ आएगा 100 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 200 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि एक पॉइंट पे जितने भी पूरा टर्न करने पर कितने डिग्री एंगल फॉर्म होता है 360 डिग्री का, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आया 200 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल पी ओ आर। तो एंगल पी ओ आर क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर दिस वन, तो एंगल पी ओ आर क्या होगा, हमें इसको 360 में से माइनस करना होगा, 360 माइनस 200, तो एंगल पी ओ आर कितना आया हमारे पास 160 डिग्री आ गया। ठीक है,
तो हमने क्या देखा, ये वाला एंगल कितना आया हमारे पास, ये वाला एंगल कितना आया हमारे पास 160 डिग्री। ठीक, अब हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है ट्राइंगल की कि अगर ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां देखिए ओपी एंड ओआर इन ट्राइंगल, ओपीआर, ओपी एंड ओआर बोथ आर इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं ट्राइंगल की, इस सर्कल में दोनों रेडियस हैं। ठीक है, अगर ओपी और ओआर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल कौन कौन से हुए, दिस वन एंड दिस वन। तो यहां लिख सकते हैं हम इन ट्राइंगल ओपीआर, OP इक्वल्स टू OR, why? These are radius। ठीक है, अब अगर ये रेडियस हैं तो इनके अपोजिट एंगल कौन कौन से हुए, एंगल OPR इक्वल्स टू एंगल ORP, why? एंगल्स अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, सपोज ये एक्स मान लिया मैंने दोनों को। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ये टू एंगल्स तो हमें एक्स और एक्स हो गए, एक एंगल हमने 160 फाइंड किया था हमने, तो एक्स प्लस 160 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, 2x is equals to 180 degree minus 160 degree, then 2x is equals to 20 degree, तो x कितना हो गया हमारे पास 20 degree upon 2, then x is equals to 10 degree, जो किसके इक्वल है, एंगल OPR के। therefore angle OPR equals to 10 degree। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम गिवन है इसमें, मैं इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं हम, एंगल एबीसी 69 डिग्री, एंगल एबीसी 69 डिग्री, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल हमें 31 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी, बी डी सी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर टू एंगल्स हमें गिवन है 69 और 31, थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं ये वाला एंगल ए, तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस अदर टू एंगल्स कौन कौन से हैं इसके, 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल ए प्लस ऐड करेंगे इनको 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ गया 180 माइनस 100, तो एंगल ए इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है, एक थ्योरम पढ़ी थी हमने कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सर्कल में एक ही तरफ एक ही सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, तो हमें पता है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए को हम पूरा नेम देते हैं तो क्या बोलेंगे इसको हम, एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी, और इसका पूरा नहीं मंगल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एंगल बी डी सी, तो एंगल
BDC. रीजन में क्या लिखेंगे इसका? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है, तो एंगल BAC कितना है हमारे पास? 80 डिग्री आया था ये, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारा? 80 डिग्री. देयरफॉर एंगल BDC इक्वल्स टू 80 डिग्री. ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ. ABC and D आर फोर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. ABCD ये फोर पॉइंट्स हमें सर्कल पे दिख रहे हैं. ठीक है, AC and BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई. AC and BD ये AC पॉइंट AC है और ये BD है, ये दोनों ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सच दैट एंगल BEC इक्वल्स टू 130 डिग्री. ये वाला एंगल हमें गिवन है 130 डिग्री. एंगल ECD ये एंगल हमें गिवन है 20 डिग्री. हमें फाइंड करना है एंगल BAC दिस वन, ये एंगल हमें फाइंड करना है. ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी देखते हैं हम. एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हम किसी भी साइड को अगर एक्सटेंड करते हैं तो बाहर एक एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, और ये जो बचे हुए एंगल हैं इंटीरियर एंगल्स, इसके पास वाला एंगल नहीं, ये दूसरे वाला एंगल, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू y प्लस z, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहां पर. तो यहां में क्या दिख रहा है कि इस ट्रायंगल को देखना आप, इस वाले ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में ये एंगल बाहर इसको एक्सटेंड किया है साइड को हमने, तो ये एंगल हमारा बना एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 20 डिग्री, और इसको मैं एक्स मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो ये दोनों है हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो एक्स प्लस 20 डिग्री, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? इन ट्रायंगल ECD. इस ट्रायंगल में x और 20 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं और 130 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल है. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने ये वाली? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इससे हमारा? 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू आया हमारा 110 डिग्री. तो x, इसका नेम अगर हम बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं इसको हम? BDC. तो एंगल BDC इक्वल्स टू 110 डिग्री, 110 डिग्री. ठीक है, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो यहाँ पे देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक ही सेगमेंट में आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल होने चाहिए. तो हमें लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इसलिए इक्वल होते हैं. तो एंगल BAC भी कितना होगा? जितना हमारा एंगल BDC है, 110 डिग्री. ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा ठीक से. आगे फिर से क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम. ओके, ऑल द बेस्ट.